हाय, दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट हरप्रीत पसरीचा एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वेट, बट कहाँ का वेट, दैट इज़ द बेली फैट। बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आता है मुझे कि हमारा वेट लॉस हो गया है बट हमारा जो बेली फैट है या जो पेट के राउंड एरिया है वो कम नहीं हो रहा है, व्हाट कैन आई डू। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी हैव सीन इज कि बेली फैट जब नहीं जाता है, इट्स नॉट जस्ट द फैट, इट्स ऑल्सो द इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाती है, दैट इज गट इन्फ्लेमेशन। हमने बहुत सारे वीडियोज उसके बारे में किए हैं कि वॉट आर द रीजन्स ऑफ गट इन्फ्लेमेशन, बट आई एम गोइंग टू टूडे टॉक टू यू अबाउट फ्यू थिंग्स वॉट यू कैन डू टू रिड्यूस दैट बेली फैट एंड हैव दैट फ्लैट स्टमक। सो जिन लोगों का बेली फैट नहीं जा रहा है, सो आई विल गिव यू फ्यू टिप्स टुडे। सो सबसे पहले है जिंजर वाटर। सो आप क्या कीजिए, अबाउट 1/4 ऑफ जिंजर, दैट इज 1/4 इंच ऑफ जिंजर, उसको ग्रेट करिए और उसको अबाउट 150 ml पानी में अच्छे से बॉईल करिए फॉर 2 to 3 मिनट्स। फिर आप उसको स्ट्रेन कर लीजिए एंड इसको एज अ जिंजर टी विदाउट टी लीव्स, ऑफकोर्स जस्ट जिंजर एंड वाटर, उसको स्लोली स्लोली सिप कीजिए बिफोर 15 मिनट्स बिफोर योर मील। सो दिस विल हेल्प इन बेटर डाइजेशन, इट विल इम्प्रूव योर मेटाबॉलिक रेट, इट विल मेक योर बॉडी एल्कलाइन एंड यू विल डेफिनेटली सी सम लॉस इन इंचेज इफ यू डू दिस फॉर एटलीस्ट 2 or 3 months। सो हियर इज माई सेकेंड टिप। अगर आपके डाइट प्लान में सैलड इंक्लूडेड है, सो आपने क्या करना है, इंस्टेड ऑफ कटिंग इट राउंड यू हैव टू चॉप इट फाइनली। सो अगर आप अच्छे से उसको चॉप करेंगे या ग्रेट करेंगे, यू विल एंड अप ईटिंग अ लिटिल मोर देन द नॉर्मल राउंड कट सैलड। ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा प्रीबायोटिक, एक्स्ट्रा फाइबर विच विल हेल्प यू लूज दैट बेली फैट। अनदर टिप इज, इस सैलड के साथ में आप ड्रेसिंग डालिए 1 चम्मच ऑलिव ऑयल की या कोकोनट ऑयल की विथ अ लिटिल बिट ऑफ लाइम जूस, सॉल्ट एंड पेपर। यू कैन अवॉइड द सॉल्ट इफ यू हैव हाइपरटेंशन एंड देन ईट दिस सैलड। इससे क्या होगा, एज आई टोल्ड यू चॉप किया है तो डाइजेशन बेटर हो जाएगी, ब्रेक डाउन बेटर हो जाएगा, यू विल ईट मोर ऑफ द सैलड। एंड जैसे ही आप उसमें कोई फैट, हेल्दी फैट डाल देंगे जैसे कि ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, उसमें ऑटोमेटिकली आपके जो विटामिन्स हैं, स्पेशली विटामिन ए डी ई के, जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, दे विल गेट एब्जॉर्ब बेटर। सो माई अनदर टिप इज, च्यू योर फूड वेल। अगर आप मोटे मोटे बाइट्स खा रहे हैं खाने के, यू विल डेफिनेटली नेवर लूज दैट फैट ऑन योर स्टमक। तो आपने अपने खाने को अच्छे से च्यू करना है। नाउ खाने को अच्छे से च्यू करना है, दैट मीन्स वॉट, आपका माइंड जो है वो खाने में होना चाहिए, ना कि टीवी, व्हाट्सएप, किसी बुक या कोई मूवी में। सो फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे, नॉट काउचिंग लाइक दिस एंड सिटिंग ऑन अ सोफा एंड ईटिंग योर फूड वाइल वॉचिंग सम ऑफ द योर फेवरेट टीवी सीरीज और न्यूज़। आपने स्ट्रेट बैठना है ताकि आपकी डाइजेशन प्रोसेस जो है वो बेटर हो। खाने को अच्छे से देखना है, बिकॉज वंस यू लुक एट द फूड ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल सिक्रीट राइट अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज एंड इट विल सिक्रीट राइट अमाउंट ऑफ बाइल टू ब्रेक डाउन दैट फूड। देन यू हैव टू च्यू योर फूड वेल। सो हमने हर चीज़ बहुत कॉन्शियसली करनी है। सो अगर हम च्यू अच्छे से कर रहे हैं, खाने को खाने से पहले देख रहे हैं, कोई गैजेट्स नहीं रख रहे हैं एंड देन ईटिंग इन अ स्ट्रेट पोजिशन एंड नॉट बेंडिंग टू मच, ऑटोमेटिकली वन, यू विल नो हाउ मच टू ईट, यू विल नॉट एंड अप ईटिंग एक्स्ट्रा। टू, योर फूड विल गेट डाइजेस्टेड बेटर, हेंस ऑटोमेटिकली आपका जो बेली फैट है वो नहीं आएगा। So let me share with you another reason because of which lot of people do not lose belly fat. That is when they are adding variety of food in one meal. So when I'm saying variety of food in one meal means unki plate mein thoda sa rice, aadhi chapati, thoda papad, thoda paneer, thodi sabzi, thodi dal, salad, maybe a fruit. There are too many things in the plate. So they are eating all these things, maybe little, very little, little quantity. जैसे हम बुफे में थोड़ा थोड़ा सब कुछ टेस्ट करते हैं, सो होता बहुत थोड़ा थोड़ा ही है, बट बहुत सारी वेराइटी ऑफ थिंग्स होती हैं एक टाइम के ऊपर। नाउ वी डू वर्क ऑन वेराइटी, आई रियली वॉन्ट पीपल टू डू वेराइटी ऑफ फूड्स एंड फूड ग्रुप्स इन देयर डाइट, ओके, बट इट शुड बी स्प्रिट थ्रू आउट द डे। तो अगर आप एक ही मील में बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी खा रहे हो, दैट कुड बी अनदर रीजन फॉर यू नॉट लूजिंग द बेली फैट। वी नीड टू इंक्लूड ऑल द फूड ग्रुप्स, वेदर इट इज द डेयरी इन फॉर्म ऑफ कर्ड और दही और मिल्क और ऑल द सीरियल्स और ग्रेन्स और वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, नट्स, बट दीज हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डे
एंड नॉट इन जस्ट वन मील. एंड लॉट ऑफ पीपल हैव सीन कि ये चीज़ स्पेशली डिनर के टाइम पे करते हैं. वो क्या करते हैं, बिकॉज डिनर इज अ रिलैक्स टाइम टू ईट, सो दे विल सिट एंड दे विल ऐड एवरीथिंग कि चलो थोड़ी सी पूरी भी दे दो, थोड़ा सा राइस भी दे दो, थोड़ा सा पुलाव भी दे दो. डू नॉट डू दिस मिस्टेक, जस्ट चूज वन और टू और थ्री आइटम्स एंड हैव दैट इन द मील एंड डू नॉट इंक्लूड टू मेनी थिंग्स एंड आई एम श्योर यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर बेली फैट, स्पेशली दैट एबडोमिनल फैट इफ यू फॉलो दिस टिप. दिस इज अ सीक्रेट टिप विच इज कम फ्रॉम मी टू यू. And along with this, especially post your meals, lunch and dinner. Breakfast ke baad, what we usually do, we generally go to office, housewives, they start doing some kind of household work. So they are usually active. But post lunch and dinner, some people go to, have a power nap, or for people who are coming back from the office, they have their dinner and they immediately couch on a bed or on a sofa. Do not do this. You have to stay active for at least next 10 minutes. Now, when I'm saying active, I'm not asking you to go and do a brisk walk here, because you've just had a meal. Do not go for a heavy walk here. You have to stay active. That is, you have to keep moving. You have to do some 1,500 steps in the house, keep the plate back, set up your bed or whatever. So try to stay active and not immediately couch, because that will again help you reducing the belly fat. I hope you like these tips, and these are very simple, practical, easy to do tips, and they will surely help you lose that belly fat. Hope you like this video and give me a thumbs up if you see some change in your belly fat by following these tips.